कैसे हो सब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक जी और सुनाए सब, अभी तो कैसी सब? है, अलहमदुलिल्लाह। जी तो आजकल ये एक मसला चल रहा है, वो अरशद मम्मी साहब ने एक जो बयान दिया था ना, वो ओमर पहचाने नहीं अल्लाह एक आपको, हम है। आपको पहचाने नहीं हम। जी मैं वैसे मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है। अच्छे, कहाँ जी से वो बात कर एक, रहे हैं आप? जी मैं दिल्ली से, दिल्ली से। आपका क्या चैनल नाम है है ना आपका? यूट्यूब पर? मेरा जी, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, नाम मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। जी, अरे वो आजकल वो एक बड़ा चल रही है कंट्रोवर्सी किस हमारी मतलब यूट्यूब से पर। हैं? जी किस मतलब तो मतलब से वैसे हैं आप? मैं अहले सुन्नत बरेलवी हूँ मैं। बरेलवी। जी हाँ, तो अच्छा, कि जो मसला चल रहा है आजकल ये ओम ओम और ओम और अल्लाह आपके एक साथ है इसके कौन ऊपर। है? जी आपके साथ कौन है? नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है, लेकिन एक भाई हैं जो कॉन्फ्रेंस में हैं, अच्छा जिन्होंने अच्छा आपको अच्छा कॉल लगाया था। वो कह रहे थे कि मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, उसके साथ से तो उनके पास नंबर है, मैं चलो उनसे पूछ लेते हैं एक वो बार। कौन है? वो जी कौन है? ये इनका नाम है अब्दुल्ला। अच्छा, चलिए। ये तो ये जो मसला है ये ओ अल्लाह एक है ना, क्या हमें बड़ा मसला जो है हो रहा है अजीब अजीब सा। ओके, अगर इस तालुक से थोड़ा आप बताएंगे जरा क्या मसला है आखिर, ये ओम और अल्लाह एक बताया गया है जो, और उन्होंने देखिए, ये भी अगर कहा था आपके कि आदम और मनु एक है। देखो, अरमान का फोन आ रहा है, तो बात कर लो ना, कर हेलो माता, लो ना भाई। जी जी तो उन्होंने वहां से दो बातें बोली हैं, तो वही कि ओम और अल्लाह एक ही है, और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि आदम और मनु एक हैं। ये दो बातें उन्होंने बोली हैं कि हमने तो जो है मनु की पकड़ पे सर रख दिया है। ये भी इनका अखबार में आया था, एक अखबार के अंदर। तो अच्छा, ये आदम और मनु एक हैं आपके ये, और आपकी ये हमारी जो बातचीत हो रही है, जी, ये मतलब एतराज करने के लिए या वाकई जानने के लिए? जी हजरत मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि ये आदम और मनु एक आखिर मतलब और किस साथ ही एतबार ये से हैं ये। भी बता दें, रिकॉर्डिंग भी हो रही है? अच्छा, जी हाँ, रिकॉर्डिंग वो अब्दुल्ला भाई करते हैं, वो मैं नहीं करता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है। जी हाँ, अच्छा, माशाल्लाह, बात सही है। वैसे दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। वैसे आपने रिकॉर्डिंग शुरू की है, तो हम भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। जी हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग वैसे जी मैं नहीं करता हूँ। जी जी रिकॉर्डिंग की आदत मेरी भी नहीं है, क्योंकि आप देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी, हाँ और करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए, ओम और अल्लाह के सिलसिले में जो बातें हुई हैं मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से, इस जी जी सिलसिले में कल जुमेरात को हम लोगों ने तफसीली गुफ्तगू की है। अगर जी अच्छा जी मेरे चैनल देखते हैं तो चैनल में जा करके पूरी गुफ्तगू सुन ले, अच्छा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा आप सवाल जवाब। एक, जी, चले कोई बात नहीं। वैसे जो देखिए आप गुफ्तगू तो है तफसीली, वो तो खैर हम सुन लेंगे आपके चैनल पे जाके, क्योंकि आपका चैनल की अपडेट हर बार भी आती रहती है यूट्यूब पर, बोलते हैं ना तो उसमें आपकी आती रहती है अपडेट, तो कई चीज़ें मैंने देखी आपके चैनल पर, शॉर्ट्स भी आते रहते हैं आपके और लॉन्ग वीडियोज भी आती हैं, दोनों तरह की आती रहती हैं, वो तो खैर हम देख लेंगे। लेकिन वैसे अगर हम कहें कि अगर किसी को मुतमइन करना हो हमें किसी को, क्योंकि अभी हमारे कई भाई जो इस बात को जो है कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव भी लिया है, वो कह रहे हैं यार ये तो गुमराही वाली बात बोली उन्होंने, एक गलत चीज़ है, और अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग जो है जवाब दिए हैं। अब कोई एक ऐसा कोई देखिए, जामे जवाब हो कि जिसको वाकई में मतलब जहन में उतारा जा सके किसी के, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बातें कही, जो मैंने समझा और जी समझाने की कोशिश की है, उसका खुलासा ये है जी कि मौलाना मदनी साहब ने ओम को अल्लाह जो कहा या मनु को आदम कहा, जी उसकी बुनियाद जो क्या रखी है उन्होंने, आपने खुद भी सुना होगा, अगर पूरी बात सुनी होगी तो। जी नहीं, उन्होंने इसकी उन्होंने तो जहाँ तक मेरा अंदाज है उन्होंने ये सिर्फ कयास करके बताया है कि तुम्हारे हाँ, नजदीक जो पहला आदमी है और हमारे अच्छा, नजदीक जो पहला आदमी है वो हजरत आदम अलैहि सलाम है, तो इस निस्बत से उन्होंने कहा था कि आदम और मनु एक हैं। लेकिन निस्बत ये बताई थी कि जी हिंदुओं का कहना यह है कि मनु जी सबसे पहला इंसान है, जी हाँ
मनु सबसे पहला इंसान है जी। और मनु सबसे पहला इंसान होने का मतलब यह है कि बगैर माँ बाप के सबसे पहले उनको पैदा किया गया जी। मनु को। अच्छा जी। उनमें से एक मर्द थे और एक औरत थी जी। एक मर्द को पैदा किया गया, एक औरत को पैदा किया गया मनु जी। और पूरी पूरी दुनिया में जितने भी इंसान बसे हैं जी, उन तमाम की औलाद है। इसी वजह से इंसानों को हिंदी में, संस्कृत में मनुष्य कहा जाता है। बिल्कुल। और हमारा अकीदा यह है कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया जी। जी बिल्कुल जी। और बिल्कुल, बगैर माँ बाप के पैदा किए गए जी। और हजरत हव्वा जो कि औरत है, ये भी बगैर माँ बाप के पैदा की गई है जी। और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं जी हाँ, वह तमाम इंसान इन्हीं की औलाद हैं और इन्हीं की तरफ मंसूब करते हुए इन्हें आदमी कहा जाता है जी। हाँ जी, बिल्कुल ये बात तो सर, कि हजरत आदम से ही जो है इंसान का लब, इंसान का नाम आदमी बना है जी। अब मौलाना मदनी साहब ने क्यों कहा कि जिसे तुम मनु कहते हैं उसे आदम कहते हैं जी? देखिए मनु ये संस्कृत की जबान है जी हाँ, और आदम अरबी जबान है जी। जी अब हो सकता है कि एक ही चीज हो, चीज एक हो, दो अलग अलग जबानों में अलग अलग नाम हो जी, मुमकिन है। जिसको जिसके तारुफ के लिए लोग अलग अलग तारीफ करते हों कि हमने ये तारीफ की है, ये तारीफ की है, सच्चाई है जी हाँ। लेकिन जब जो कराइन एक आदमी बता रहा है कि यही असल है जी, वो अपनी जबान में उसकी वही तारीफ कर रहा है जो तारीफ दूसरी जबान में की जा रही है जी हाँ, तो हकीकत में मालूम ये हुआ अंदर जाने के बाद, घुसने के बाद, कि जो तारीफ, जो कराइन, जो दलाइल ये बता रहा है, वही कराइन, वही दलाइल दूसरी जबान में वही बयान की जा रही है जी। बिल्कुल। तो मालूम हुआ कि चीज एक ही है, उसके दो तारीफें हो रही हैं दो जबानों में जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बुनियाद पर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि क्योंकि तुम लोग ये कहते हो कि सबसे पहला इंसान मनु थे, उन्हीं की औलाद को मनुष्य कहा जाता है जी। तो हाँ, अरबी में वही है कि सबसे पहले आदम थे, उनकी औलाद को आदमी कहा जाता है जी। हाँ बिल्कुल जी। जी इसी तरीके से मनु ये हिंदी का लफ्ज मान लीजिए या संस्कृत का लफ्ज मान लीजिए जी हाँ, और ये बात भी सही है कि मनु की तरफ निस्बत करते हुए ही मनुष्य कहा जाता है जी। हाँ बिल्कुल। अपने अपने देश में देखिए, अपने गांव मोहल्ले में देखिए कि हिंदू लोग या हिंदी में जब किताब लिखते हैं तो मनु और मनुष्य का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू वाले आदमी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी। बिल्कुल। गोया कि हमारी जो है आदमी, आदमी को मंसूब करते हैं आदम की तरफ, पहले इंसान की तरफ जी। और हिंदी वाले भी मनु की तरफ ही निस्बत करते हुए हम लोगों को मनुष्य कहते हैं जी। जी बिल्कुल। यानी अगर हिंदू हमसे बात करें, हमारे बारे में बोले, तो हमें उर्दू हिंदी में मनु कहेंगे, मनुष्य कहेंगे, मनुष्य जी। बिल्कुल। और उसी को हम उर्दू में आदमी कहते हैं जी। अच्छा, तो मालूम होता है कि चीज एक है लेकिन दो अलग अलग जबानों में, दो अलग अलग जबानों में मुख्तलिफ हो जी। हाँ अच्छा। इस बुनियाद पर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि जिसे तुम मनु कहते हो, और दूसरी बात यह कि मनु के बारे में हिंदू भी यही कहते हैं कि बगैर माँ बाप के पैदा किए गए हैं जी। अच्छा। और मुसलमान ये कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा किए गए हैं जी। जी ये बातें भी हैं। कराइन के बना पर मौलाना मदनी साहब ने ये कहा कि जिसे तुम मनु कहते हो वही हमारे यहाँ आदम है। तीसरी बात ये है, हिंदुओं का कहना यह है कि सबसे पहला इस धरती पर, इस दुनिया में जो आया है उसे हम मनु कहते हैं। मनु सबसे पहले दुनिया में जी, यही हम मौलाना मदनी साहब ने कहा कि सबसे पहले है कि आदम अलैहिस्सलाम आए जी। हाँ तो जी फरमाइए जी। जी आपकी बात हो गई पूरी जी? जी कह रहा हूँ आपकी बात हो गई पूरी
ये तो मनु के सिलसिले में आप बताएं अब। जी जी हाँ हजरत, जो आपने कहा ना कि मनु के बारे में ऐसा ऐसा जो है अहले हनूत का दावा है, तो हजरत असल में क्या है, ये मनु किस्सा है ना, ये मनु का किस्सा जो है लिखा है मत्स्य पुराण में और अग्नि पुराण के अंदर। अच्छा। इन दो किताबों के अंदर इसका जिक्र है। और अग्नि पुराण में जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने कहा कि चीजें मिलती जुलती है ना, तो ऐसे अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और वो आग में ना जल सके, है ना। अच्छा, तो ऐसे ही इनके यहाँ पर भी एक किरदार है जिसका नाम है प्रहलाद, उसको जो है आग में डाला गया था, जिसके उसमें होली मनाई जाती है कि उसको जो है उसके शायद उसने उसको आग में डाला और वो जो है उसके ऊपर जो है बकौल इनके विष्णु भगवान की कृपा रही तो वो आग में नहीं जला। इसी तरह पर जो है कुछ लोगों ने कयास आ रही करी है, ऐसे जो है मूसा सलाम जो थे तो फिरौन जो है बच्चों को कत्ल कर दिया करता था, तो जब हजरत मूसा सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने जो है आपको जो है एक बक्से में संदूक में रख के दरिया में बहा दिया था। ऐसे ही इनके यहाँ पर कहा जाता है कि जब इनके कृष्ण जी पैदा हुए तो कंस भी जो है अपनी बहन के जो भी औलाद थी उनको पैदा होने द्वारा मार दिया करता था, लेकिन जब कृष्ण जी पैदा हुए तो उनको जो है एक टोकरी में या बक्से में रख के दरिया में बहा दिया गया। तो ये तो खैर ये है कि मैचिंग की बात है। जो मनु है ना, मनु असल में मनु के बारे में ये तफसील से तो आता है मत्स्य पुराण के अंदर, दो जिल्दों के अंदर जो है मत्स्य पुराण नाम से किताब लिखी गई है, उसमें जो है ये चीज समझाई गई है कि मनु कौन थे। असल में अगर हकीकतन हम देखें जो इनकी किताबों में जो तारीख मिलती है, अगर आप तारीख की मैचिंग करेंगे ना, तो उस लिहाज से जो मनु है ना वो उसकी जो कहानी उसका जो किरदार वहां दिखाया गया है, उसकी जो बायोग्राफी दिखाई गई है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर फिट बैठती है। क्योंकि मनु जो थे कौन थे, मनु वो थे इनके बकौल कहते हैं कि विष्णु जी ने कहा था कि तुम जो है नाव बगाना और आज से कुछ दिन बाद इस धरती पर पानी आएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तुम उस नाव के अंदर चढ़ जाना और अपने साथ सब ऋषियों को लेकर बैठ जाना। तो ये वाक्य जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो हमारे यहाँ पर जो जैसा कि कुरान हदीस में तो जिक्र है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि तुम नाव बनाना और जो है यहाँ तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, तो ये जो वाक्य है ये असल में उन्होंने मनुह नाम से डाल रखा है। और आप चेक करें नूह के आगे खाली माँ जोड़ा मनुह बन गया है। और यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक्य है ना, इसी से सेम टू सेम वाक्य भविष्य पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है कि नूह को विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि तुम जो है नाव बना के उसमें चढ़ जाना, सारे जानवर लेके चढ़ जाना, तो उसके बाद जो दुनिया में पानी आएगा पूरी दुनिया डूब जाएगी। ये वाक्य भविष्य पुराण में भी लिखा है और यही वाक्य जो है अग्नि पुराण के अंदर भी लिखा है। एक अग्नि पुराण में शुरू में आप खोलेंगे तो उसमें लिखा है मत्स्य अवतार की कथा, उसमें ये वाक्य लिखा है। और इसके अलावा मत्स्य पुराण में तस्वीर इसकी मौजूद है कि मनु जो थे वो वही थे जिनको हुक्म दिया गया था कि तुम नाव बनाना, नाव बना के उसमें चढ़ जाना, उसमें जब पूरी दुनिया डूब जाएगी तुम्हारे साथ जो भी चढ़ोगे वो सारे के सारे महफूज रहेंगे। उसमें ये बताया गया है कि विष्णु जो है जो विष्णु जी थे वो मछली बन के आए थे और मछली बन के आके उनकी बहुत लंबी तफसील है, कहा कि मैं विष्णु हूँ, तुम जो है नाव बनाना, फिर अपनी नाव को मेरे सींग से बांध देना तो तुम नहीं डूबोगे बाकी पूरी दुनिया डूब जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है कि या तो ये हो सकता है कि अशरम अदनी साहब ने शायद किया है कि मतलब लोगों की सुनी सुनाई बात पर जो है कयास करके बात बोली है, मुमकिन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी नहीं है कि उनकी हर बात हर पे आखिर मानी जाए। क्योंकि मैंने भी जो है ना ये सारी चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ थोड़ी बहुत, तो मैंने भी सोचा मैं यार मनु और आदम का तो कोई मैच है ही नहीं है, क्योंकि मनु की जो बायोग्राफी है वो अलग है, हजरत आदम की बायोग्राफी एकदम बिल्कुल अलग है। एक मिनट जी, आपने बहुत बात कही जी, कि जो मनु के बारे में ये कहा जाता है जी हाँ कि मनु बगैर माँ बाप के पैदा किए गए जी, क्या वो हजरत नूह पर फिट हो रही है? जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जैसे वो कहते हैं मनु जो है बगैर माँ बाप के पैदा किए गए, तो ये उनकी जहाँ तक मेरा अंदाजा है उनके यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब मानी जाती है वो वेद माने जाते हैं। अच्छा, तो वेदों के अंदर जो जिक्र है वो ब्रह्मा का है ना कि मनु का है। अच्छा, मनु का जो जिक्र है वो पुराणों में है और इसमें उपनिषद के अंदर है, तो इन अच्छा। पर जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है वो वेदों को दी जाती है ना कि पुराणों को। पुराणों को तो इनके जो बाज इनके जो अलग अलग तबका हैं जैसे आर्य समाजी हैं और कबीरपंथी हैं, वो जो है मानते हैं कि पुराण जो है ये मोतबर नहीं है, इनमें बहुत सारी मिलावटें हैं।
और ये जो मनुष्य वाली बात जो ये बताई जाती है ना कि सबसे पहले इंसान है, तो जहाँ तक अभी तक वैसे तो खैर मैंने तो इसके बारे में किसी इनकी किताब में अभी तक मैं ऐसा पाया नहीं है जो जो मैंने किताब पढ़ी है। अगर आपके नॉलेज में हो तो आप मेरे को जरा बता दीजिएगा। लेकिन मनु के बारे में जो मैंने पढ़ा है वो वही पढ़ा है, व्यवस्थे मनु नाम लिखा है। एक बहुत अच्छे बादशाह थे, अपने जमाने के राजा थे, बहुत नेक थे, हर किसी का ख्याल रखते थे। तो उनको जो है एक दिन तालाब में एक छोटी सी मछली मिली। मछली ने बोला कि आप मुझे ले चलिए वरना मुझे यहाँ पर जो है तो आ जाएंगे। तो मनु ने उसको उठा के अपने घर में ले गए और अपने घर में एक मटके में डाल दिया। मटके में डाला तो वो फौरन बड़ी हो गई। फिर उसने बोला कि मुझे और बड़ी जगह डाली, उन्होंने मटके से निकाल के और बड़ी जगह डाला, फिर वो और बड़ी हो गई फौरन। ऐसे करते करते वो इतनी बड़ी हो गई, उन्होंने वापस तालाब में डाला, तालाब में डाला तो वो 100 योजन से भी बड़ी हो गई। तब मनु ने कहा कि आप तो मुझे कोई देवता लगते हैं, आप मुझे बताइए कौन है। तब मछली ने कहा कि विष्णु हूँ, मैं मछली का रूप लेकर आया हूँ। ये वाक्य हुआ था जो उनका अग्नि पुराण में भी लिखा है और मत्स्य पुराण में भी लिखा है। और एक भाई ने मुझे बताया था, मतलब एक नॉन मुस्लिम भाई था, वो बता रहा था कि भाई ये वाक्य जो है ना ये मैंने गीता में भी पढ़ा है। अभी वो सही बता रहा था झूठ बता रहा था वो उसकी बात है, लेकिन मत्स्य पुराण में और अग्नि पुराण में इन दोनों में मैंने पढ़ा है। बिल्कुल अग्नि पुराण हवाला भी दे सकते हैं। बिल्कुल एक मिनट, आपने जिस तरीके से तफसील बयान की कि हमने हिंदू भाई से पूछा है, इस्लाम भाई से पूछा है, नहीं पूछा नहीं मैंने, उसने खुद ही बताया था जब मैं उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। तो उन्होंने खुद ही बताया। जी हाँ, यही बात मौलाना अरशद मजीद साहब ने बार बार कहा कि मैंने कई पंडितों से पूछा, कई हिंदू धर्म के गुरुओं से पूछा, उन्होंने ये तफसील बताई है। कोई किताब का उन्होंने रेफरेंस दिया है इस ताल्लुक से? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हिंदू भाई ने हमको बताया, अगर देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने तो किताब में पढ़ा है, लेकिन एक भाई के सामने जब मैं बयान कर रहा था ना, जब मैंने उसको बयान करा, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा वाक्या है, तब उसने कहा कि भाई ये वाला जो किस्सा बता रहे हैं ना ये मैंने गीता में भी पढ़ा है। मैंने कहा हो सकता होगा, लेकिन मैंने ये मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण के अंदर पढ़ा है। देखिए हम तो आप भी जानते हैं, जी जी हम तो संस्कृत जबान जानते नहीं है, अलबत्ता हिंदी वगैरह कुछ पढ़ लेते हैं, तो जी हाँ, अब सारी किताबें नहीं है तो इंटरनेट का सहारा लेना ही पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, इंटरनेट पर भी हमने इस पर सर्च करने की कोशिश की मनु के सिलसिले में। जी हाँ, तो हमने एक वीडियो में इसकी वजाहत भी की है कि मनु के सिलसिले में यही वजाहत मिली जो हमने आपको बताई है। जी हाँ, असल में क्या, अगर आप मनु देखिए ना वीडियो यूट्यूब पर, मैं बता दूँ आपको, असल में यूट्यूब के ऊपर जो ना मतलब लाखों की तादाद में जो है इस तालुक से वीडियो डली हुई है, मनु को लेकर और ये शत्रुपा को लेकर और ब्रह्मा को लेकर। लेकिन असल जो ऑथेंटिक जो सोर्स है ना, ऑथेंटिक सोर्स इनका क्योंकि वेद कहलाता है, और वेद के अंदर जो है ये ब्रह्मा का जिक्र है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी बेटी पैदा करी, फिर वो उस बेटी के साथ ही उसने जो है रिलेशन कायम किया है, ये इनके वेद में लिखा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, कौन किसने पैदा किया हमें पता नहीं है। मौलाना मदनी साहब ने अपनी बात की बुनियाद इस बात पर रखी है जी, और हमने जो तफसील बताई है वो ये बताई है कि हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक मनु वो सबसे पहला इंसान है जिसे बगैर माँ बाप के पैदा किया गया। पूरी दुनिया में भी आदमी इंसान बसते हैं, उन्हीं की औलाद अच्छा है जिन्हें मुस्लिम कहा जाता है। जी जी अच्छा, और मनु के सिलसिले में हिंदुओं पंडितों ने मौलाना मदनी साहब जो तफसील बताई है कि बगैर माँ बाप के पैदा किए गए, पूरी दुनिया में उन्हीं की औलाद है, सबसे पहला इंसान है, भारत सबसे पहले आए जी। और यही तफसील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि बगैर माँ बाप के पैदा किए गए जी, को बगैर माँ बाप से पैदा किया गया जी, पूरी दुनिया में इन्हीं की औलाद है, इन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए इन्हें आदमी कहा जाता है। हिंदुओं के यहाँ कि सबसे पहला मनु पैदा किया गया बगैर माँ बाप के पैदा किया, हमारे हजरत आदम पैदा किया गया बगैर माँ बाप के पैदा किए गए, पूरी दुनिया में उन्हीं की नस्ल है, उनकी तरफ निस्बत करते हुए आदम कहा जाता है, हिंदुओं मनु कहा जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन हजार यहाँ पर एक चीज और गुंजाइश वाली बात थी। अच्छा, इसी तरीके से मौलाना मदनी साहब ने अपने बयान में से कहा कि मेरा सवाल हमने पंडितों से पूछा कि मनु जो सबसे पहले इंसान थे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, जितने भी कृष्ण वगैरह आए हैं सब तो मनु के बाद आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जितने कृष्ण के बाद आए थे सबसे पहले इंसान मनु थे। जी हाँ, किसकी पूजा करते थे? जी हाँ, तो उसी बयान में उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि उन्होंने कहा कि एक मनु की पूजा थी, एक कौम की पूजा करते थे, एक कौम की, एक ओम ओम। अच्छा अच्छा, एक ओम की। अच्छा जी जी हाँ, अब यानी एक ओम का मतलब
एक बोर्ड कह लीजिए, एक ईश्वर कह लीजिए। अब यही बात है कि हजरत आदम अलैहि सलाम के जमाने तक कोई शिर्क नहीं था, वो एक अल्लाह की इबादत करते थे। जी बिल्कुल। इन तमाम कराइन की रोशनी में मौलाना मदनी साहब ने कहा कि जिन्हें तुम जो कराइन बता रहे हो, जो तफसील बता रहे हो, और इस तफसील में जो सबसे पहला इंसान तुम मनु कह रहे हो, उन्हीं को हम आदम कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा हजरत एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा थोड़ी सी। देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बुरा मानने वाली बात है कि इंसान है, इंसान से कई बार बयान में भी और समझने में भी गलती हो जाती है। जैसे आप भी जानते हैं कि हदीस के ताल्लुक से भी ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां हुई हैं शुरू में, जिनका निचोड़ बाद में निकला तो पता चला कि ये हदीस जो है ये सनद के एतबार से या मतन के एतबार से ये काबिल कबूल नहीं है। बुखारी शरीफ में भी ऐसी हदीसें मिलती हैं जो कि सनदन तो सही है लेकिन मतन काबिल कबूल नहीं है। बहुत सी हदीसें हैं बुखारी में भी, मुस्लिम में भी ना। अगर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि मनु जो है सबसे पहला इंसान, तो ये बात इस लिहाज से बिल्कुल सही है कि जब हजरत नूह अलैहि सलाम का जमाना था तो हजरत नूह अलैहि सलाम के जमाने में पूरी दुनिया फौत हो गई थी, जितने लोग थे उस वक्त सिर्फ हजरत नूह अलैहि सलाम ही थे, और नूह अलैहि सलाम की ही नस्ल से जो है पूरी दुनिया की इंसान की जो नस्ल है वो उन्हीं से चली है, उनके बेटे थे, है ना। तो हजरत ये भी तो हो सकता है ना कि वो शायद इस चीज को लेकर वो ऐसा कहते हो, लेकिन क्योंकि, और दूसरी बात यह कि हजरत नूह अलैहि सलाम को आदमे सानी भी कहा जाता है कि हजरत नूह जो है आदमे सानी है, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से पूरी दुनिया जो है चली है। तो हो सकता है यहाँ पर शायद उनके इस चीज में हो सकता है भूल चुकी हो। उसमें ये तफसील नहीं है, देखिए ये तफसील नहीं है हजरत नूह अलैहि सलाम के, हजरत नूह अलैहि सलाम के वाकये में जी, हजरत नूह अलैहि सलाम की तो इनकी पैदाइश माँ बाप से हुई है। नहीं ऐसा है ना, देखिए जैसा अब देखिए जैसी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि हाँ जी इनके नजदीक जो है मनु की जो पैदाइश है वो बना बिना माँ बाप के हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत जो है खुद किसी किताब में साबित नहीं है। और जो किताब ये बताएंगे तो आप खैर उसका अगर जानकारी आपको मिले तो आप मेरे को भी बता दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ जैसे बताया कि इनके यहाँ पर सबसे ज्यादा जो औथेंटिक किताबें मानी जाती हैं वो वेद होती हैं, और वेदों में भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद इनका सबसे कदीम और सबसे ज्यादा मुस्तनद तरीन जो वेद माना जाता है। तो उसके अंदर इस चीज का जिक्र कहीं नहीं है मनु का। उनका जो जिक्र है वो पुराण में है, या मिलेगा तो आपको किसी उपनिषद में भी बमुश्किल मिल पाएगा, वैसे उपनिषद में नहीं होगा, पुराण में ही मिलेगा। भविष्य पुराण में हजरत नूह अलैहि सलाम का नाम है साफ साफ, हजरत आदम का भी नाम भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है, और नूह से मनु जो, देखिए हमने क्या कहा कि हम वेद नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते। जी जी। एक आम आदमी जब किसी जबान को नहीं जानता है तो जिस जबान में जानता है उसी जबान में मुताला करता है। जी बिल्कुल। हमने उस वक्त इसमें बहुत गौर व खोज किया। अच्छा। हिंदी में, हिंदी जबान में मनुष्य के सिलसिले में कि मनु मनुष्य क्या है, जी हाँ, उसमें वो तस्वीर मिली हिंदी में जो हमने आपको बताई है। ये आपने जो तस्वीर बताई है ये आपको कहाँ से मिली थी? इंटरनेट से मिली। इंटरनेट से? अच्छा, किसी वेबसाइट से निकाली थी आपने या किसी मुस्तनद किताब का उसके अंदर हवाला था कोई, या किसी का कोई ब्लॉग था? ब्लॉग होगा मेरे ख्याल से, शायद आपने शायद ब्लॉग ही पढ़ा होगा, है ना। नहीं ब्लॉग, वो जो एक एक पूरा का पूरा लंबा जो तहरीर आती है ना उसको ब्लॉग कहा जाता है। जी जी। उसमें लंबी की पूरी पूरी लंबी की लंबी, मतलब चार चार छः छः पेज, दस दस पेज की पूरी लंबी एक लिखी होती है हिंदी में या रोमन में जो भी हो, उन्हें ब्लॉग कहा जाता है। तो इस तरह के ब्लॉग में हो सकता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा है कि शायद आपने भी शायद किसी किताब का हवाला उसमें नहीं पढ़ा अभी तक, और ना ही आपने इसको तस्दीक किया सही तरीके से। लेकिन जो हवाले मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। अग्नि पुराण में जो है शुरू में एक चैप्टर है उसका नाम है मत्स्य अवतार की कथा, उसमें आपको ये वाक्य मिल जाएगा। बिल्कुल जी। और मत्स्य पुराण तो वो तो लिखा ही इसी टॉपिक के ऊपर गया है पूरा, मत्स्य पुराण की दो जिल्दें हैं वो आप नेट से भी निकाल सकते हैं। संस्कृत की है जो नहीं जानते, आजकल तो हिंदी में आ रखी है ना वो सारी चीजें, उसमें क्या है, सब हिंदी मौजूद है, सारे पुराण सारे वेद सब हिंदी के अंदर मौजूद है बिल्कुल टोटली। और ओम का जो मतलब मैंने देखा था वो लिखा था ये परम ब्रह्म का वाचक शब्द है, परम ब्रह्म, क्योंकि इनके यहाँ पर जो है तीन तरह के ब्रह्म माने जाते हैं, एक होता है परम ब्रह्म, एक होता है अक्षर ब्रह्म, एक होता है काल ब्रह्म। तो परम ब्रह्म जो है वो सबसे बड़ा खुदा है, फिर उसके बाद एक होता है दूसरा जो ये होता है काल ब्रह्म, फिर होता है एक अक्षर ब्रह्म जिसे कहते हैं शर पुरुष,
जिसने की जिसको की इनके इनके वालिद ने बकौल इनके कि मैंने पढ़ाया ज्ञान गंगा किताब में, मैं उसका हवाला भी आपको दे दूंगा, उसमें ये लिखा था कि जो ये ब्रह्म है जिसको ये हिंदू धर्म में जो माना जाता है ना, जो कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मा की लोग पूजा ज्यादा नहीं करते या बहुत कम करते पूजा, तो वो जो ब्रह्म तीसरे लेवल का ब्रह्म है, फिर उसका एक बाप है, फिर उसका भी एक बाप है जिसको कहा जाता है परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म का जो वाचक शब्द है वो है ओम, ना कि ये कि इनके यहाँ पर जो है एक कोई खुदा की कोई एक मुस्तना तारीफ इनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं है मौजूद कहीं भी। देखिए जिस तरीके से आप उस संस्कृत के बारे में बता रहे हैं हिंदू किताबों के बारे में, जी हाँ, उस बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है जी, इस बारे में हम आपकी बातों पर एतराज भी नहीं कर सकते, आपकी बातों को गलत भी नहीं बतला सकते जी, बतना रही है। अलबत्ता जो लोग वेद के माहिरीन चतुर्वेदी लोग हैं उन्होंने भी तफसील बताई जी। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको चतुर्वेदियों की भी आपके सामने मैं बताता हूँ चतुर्वेदियों की करामतें क्या हैं। अब चतुर्वेदियों की जो करामतें पता कैसे हैं, उनके बयान जो है ना चतुर्वेदियों को एक टाइम में मैं भी बड़ा पसंद करता था, बहुत पसंद करता था यार, चतुर्वेदी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि वेदों में हुजूर का जिक्र है, पुराणों में हुजूर का जिक्र है, फलानी किताब में हुजूर का जिक्र है, और असल में क्या है मैं बता दूं आपको, ये जितने भी चतुर्वेदी ये बयान देते हैं ना अपने, इनकी जड़ एक किताब है जिस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है कल्कि अवतार और मुहम्मद साहब, जो लिखी थी पंडित उपाध्याय के एक गुमनाम शख्स ने। यानी उसका कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ रहता था, क्या उसका मामला हुआ, था भी कि नहीं, कुछ अता पता नहीं है। उसने ये सारी चीजें जो है अपनी किताब में लिखी है, और आखिर में उसने इस किताब में एक बात लिखी थी कि भाई हम जो आपस में एक दूसरे नफरतें करते हैं, हो सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो है नफरतें खत्म हो जाएं, क्योंकि जिसको आप पैगंबर मोहम्मद मानते हो उन्हीं को हम कल्कि अवतार मानते हैं, और कल्कि अवतार पर जो इन्होंने कयास करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कयास करा है, वो भी आपको बता दूं इन्होंने कयास करा कैसे कि कल्कि अवतार की जो पैदाइश है ना वो 12 तारीख की है, 12 इसकी शायद 12 बसंत पंचमी की। तो इन्होंने क्या करा कि 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल पर कयास करके वहां पर ठोक दिया इसको, तो लो जी कि उनकी भी पैदाइश 12 है, इनकी पैदाइश 12 है, तो साबित हो गया कि एक ही जात है। फिर आपने सुना होगा डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने बयान में कई जगह बोला ऋषि महर्षि, असल में ऋषि जो लफ्ज है, ऋषि लफ्ज पैगंबर के लिए बिल्कुल फिट ही नहीं होता है, क्योंकि ऋषि भी बन जाए, यानी कोई भी इंसान अगर मान लीजिए दुनियादारी छोड़ के गोशानिशी इख्तियार करे तो ये लोग, तो पैगंबर पर लफ्ज ऋषि को फिट करना ये बिल्कुल भी समझदारी वाली बात है कतन बिल्कुल भी। और जो जो इन लोगों ने कया सारियाँ करी हैं सारी, वो पंडित प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब में लिखी हैं टोटली, और उसी से सारा जो है लीपा पोती और कॉपी पेस्ट चला आ रहा है आज तक। लेकिन यह कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ देख ली कि वो जो किताब के अंदर जो खेल खेला गया है कि कयास आरियां करके जो है ज़बरदस्ती जो है कल्कि अवतार को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरह मंसूब किया गया, ये सरासर एक झूठे कयास पर मबनी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। चलिए सर, खैर बाकी यह है कि जी जी मैं ये कह रहा था कि हमने तो काफ़ी वक्त लिया है वैसे, है ना, आप भी सोच रहे होंगे यार टाइम ले लिया इन लोगों ने ना जी। बाकी इंशाल्लाह कभी आपसे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह कभी और टॉपिक पर। ये तो खैर ये है कि मसला भी चल रहा है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अब इस पर जो है कुछ सॉल्यूशन से निकल नहीं पा रहा। बाकी इंशाल्लाह और मसाइल हैं तो क्या नाम है, ये जैसे कि आपकी वीडियो आती रहती है ना, तो देखिए आपसे मेरी गुजारिश है आप जो डालते हैं ना वीडियो, देखिए आप चूँकि देवबंदी मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, आप थोड़े अल्फाज थोड़े आप थोड़े देख कर डाला करिए कि जिससे कि कम से कम नफरत और ज्यादा ना बढ़े, इतनी आपसे मेरी गुजारिश है, ठीक है ना। देखिए आप इल्मी बयान हो वो आप डालिए, वो आप लिए जो सच्चाई के साथ साबित है सिर्फ उनको डालिए, लेकिन जो मैंने देखा है कि YouTube पर हो या WhatsApp की दुनिया में ना झूठ बहुत ज्यादा बोला जाता है, सबसे ज्यादा है ना जी। चलिए शुक्रिया जी, आपका ही बजूरी, आपने अपना वक्त दिया हमें, कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा अल्फाज का इस्तेमाल करें। दूसरा ये किताबें आप वही पेश किया करें जो हमारे नज़दीक मोतबर हैं, उनका भी ध्यान रखा करें, ठीक है ना, वरना इससे क्या देखिए फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर वो क्या आपके चैनल में लोग कमेंट में आएंगे आपको गालियाँ मिलेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं गाली बकने का कायल नहीं हूँ, मैं तो भाई सिर्फ बात ही करता हूँ, बस प्यार बच्चे को करनी बात कर ले, मस्त वेलकम, नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन यह है कि कम से कम बंदा किताबें वो पेश करे जो हमारे नज़दीक मोहतम हैं, ऐसा नहीं है खाली
क्या सुना है वो कोई ना करे, बस उस पर मुझे नाराजगी होती है हर इंसान से। ठीक है ना सर, चलिए सर आपने अपना कीमती दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जो है खैर अता फरमाए।